हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। कुकुबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप में नेक्स्ट वेजिटेबल है स्पंज गार्ड और रिज गार्ड। इससे पहले हम लोग लेक्चर 19 में ऐश गार्ड को डिस्कस कर चुके हैं गार्ड्स ग्रुप की वेजिटेबल्स में। इसके बाद नेक्स्ट है स्पंज गार्ड और रिज गार्ड। इसको तुरई भी बोलते हैं, घिया तुरई या स्मूथ गार्ड भी बोलते हैं। तो इसके कल्टीवेशन प्रैक्टिस को आज हम लोग लेक्चर 20 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्पंज गार्ड और रिज गार्ड दो तरह की जो है तुरई की ये वैरायटी है, जिसमें एक स्पंज एक वैरायटी एक जो है वैरायटी है वो है स्पंज गार्ड, जिसको बॉटेनिकली बोलते हैं लूफा सिलेंड्रिका। ये इमेज फर्स्ट में आप देख सकते हैं, है ना। ये स्मूथ जिसकी जो एपिकार्प होती है वो स्मूथ होती है ना, इसीलिए इसको स्मूथ गार्ड भी बोला जाता है। तो बॉटेनिकली इसको बोलते हैं लूफा सिलेंड्रिका। और दूसरे टाइप की जो होती है जिसे बोलते हैं रिज गार्ड, है ना, लूफा एक्यूटेंगुला, क्योंकि इसमें जो इसकी सरफेस होती है, इस तो ये जो ये फ्रूट है इसका, इसकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं होती है, चिकनी नहीं होती है। इस पर रिजेज आपको देखने को मिलेंगी, लंबी लंबी धारियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो इसलिए इसको जो है लूफा एक्यूटेंगुला बोलते हैं, और जो इस एकदम स्मूथ सरफेस की होती है उसको लूफा सिलेंड्रिका बोलते हैं। कुकुबिटेसी फैमिली से बिलोंग करती है, क्रोमोसोम नंबर इसका 26 है, और ओरिजिन है इसका ट्रॉपिकल एशिया और ट्रॉपिकल अफ्रीका। तो इस रीजन में ये ओरिजिनेट हुई है। तो ये दोनों तरह की जो तुरई है इसका आज हम लोग कल्टीवेशन प्रैक्टिस डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनकी वेराइटीज़ और ये सारी चीज़ें, है ना। तो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। लूफा, लूफा दोनों को कंबाइंडली लूफा बोला जाता है, जीनस क्योंकि दोनों का सेम है, लूफा सिलेंड्रिका लूफा एक्यूटेंगुला, तो दोनों को लूफा बोला जाता है। लूफा स्पंज गार्ड और रिज गार्ड दोनों को कहते हैं। स्पंज गार्ड को स्मूथ गार्ड के नाम से भी जाना जाता है, लूफा भी कहा जाता है, घिया तुरई या राम तुरई के नाम से भी जाना जाता है ना। लोकल रीजनल लेवल पर इसका नाम जो है घिया तुरई या राम तुरई भी बोलते हैं। उसके बाद स्पंज गार्ड इज मोनोशियस, इसका जो प्लांट होता है वो मोनोशियस होता है। मोनोशियस का मतलब जब एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दो फ्लावर आए, है ना, एक ही प्लांट पर दो तरह के फ्लावर आए, एक मेल फ्लावर और दूसरा फीमेल फ्लावर। तो स्पंज गार्ड भी मोनोशियस है, इसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, लेकिन सेम नोड पर एक ही स्थान पर दोनों दो तरह के फ्लावर जो है प्रोड्यूस होते हैं सेम नोड्स पे। अगर आपने कभी तुरई का पौधा देखा होगा, प्लांट येलो कलर के फ्लावर्स इसमें आते हैं, तो इसमें देखिए तो गुच्छे में क्लस्टर में जो है कलियाँ आती हैं इसमें, और इसमें एक एक दो दो फूल एक एक टाइम पर खिलता जाता है। तो इसमें उसमें जो है मेल फ्लावर और फीमेल दोनों ही तरह के फ्लावर उस क्लस्टर में, फ्लावर क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जो फीमेल फ्लावर होता है वो सिंगली प्रोड्यूस होता है, और मेल फ्लावर जो है वो क्लस्टर में, और एक एक टाइम पर एक ही फ्लावर जो है वो आता है। द फ्रूट ऑफ स्पंज गार्ड, जो स्पंज गार्ड है जिसको घिया तुरई बोलते हैं, जो आपने ये जो फर्स्ट वाली इमेज देखी है ना, जो द फ्रूट ऑफ स्पंज गार्ड आर स्मूथ, उसकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, फ्लैश उसका वाइट होता है, और फ्रूट का जो साइज होता है वो 20 से 50 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होता है, और ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल शेप का होता है, इसीलिए इसका स्पीशीज का जो नाम है वो है लूफा सिलेंड्रिका। उसके बाद नेक्स्ट वाली जो वेजिटेबल है रिज गार्ड, उसको रिब्ड गार्ड भी बोलते हैं। रिब्ड मतलब जो धारी प्रेजेंट होती है उसकी सरफेस पर, इसीलिए उसको रिब बोलते हैं, है ना। तो रिज गार्ड रिब्ड गार्ड के नाम से भी इंग्लिश में इसको कॉमनली कहा जाता है, और हिंदी में कहा जाता है काली तुरई या झींगा, झींगा के नाम से भी जाना जाता है ना। ये दोनों ही स्पंज गार्ड और रिज गार्ड दोनों ही क्लाइंबिंग हैं, और इनको सपोर्ट चाहिए प्लांट को ग्रो होने के लिए, वर्टिकली ग्रो होने के लिए। रिज गार्ड का जो फ्रूट है ये डार्क ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन दोनों ही कलर का होता है। फ्रूट का साइज 15-40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और इसकी जो फ्रूट पर रिजेस जो पाई जाती हैं वो 10, अगर आप उनको गिनिए तो 10 रिजेस जो है उस फ्रूट पर पाई जाती हैं, है ना। इसका जो फ्लैश होता है स्पंजी होता है अंदर, मतलब जो जैसे इस फ्रूट के सूखने के बाद, आपने ध्यान दिया होगा कभी, इसमें जो है
स्पंज निकलता है ना, जो इसका फ्लैश होता है उससे जो है फाइब्रस स्पंज प्रोड्यूस होता है। तो इसका भी फ्लैश स्पंजी तो होता है, लेकिन स्किन जो होती है यानी इसकी जो सरफेस है वो कोर्स होती है, खुरदुरी होती है। खुरदुरी किस वजह से होती है? वो इसी रिज रिज के प्रेजेंट होने की वजह से ये खुरदुरी होती है। तो दोनों को ही, स्पंज गार्ड और रिज गार्ड को, इसके इमेच्योर और टेंडर फ्रूट के लिए हम लोग ग्रो करते हैं, यानी इमेच्योर और टेंडर फ्रूट को हम लोग कंज्यूम करते हैं। इसका जो कल्टीवेशन है लूफा का, मतलब लूफा की जब हम बात करते हैं तो मतलब इस रिज गार्ड और स्पंज गार्ड दोनों की बात हो रही है। तो लूफा का जो कल्टीवेशन है वो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, अमेरिका सभी जगहों पर इसका कल्टीवेशन होता है वेरी ब्रॉड लेवल पर। इंडिया में इसका कल्टीवेशन जो पॉपुलरली कमर्शियल लेवल पर होता है वो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। स्पंज गार्ड में विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है, इसका इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो दूसरी तरफ रिज गार्ड में जो है फैट, मतलब लो सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल कम पाया, मतलब कोलेस्ट्रॉल और फैट नहीं पाया जाता है इसमें। विटामिन सी, विटामिन ए और डाइट्री फाइबर पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो है राइबोफ्लेविन यानी जो है जिंक, थियामिन और थायमिन, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सारे जो है मिनरल्स और विटामिन्स इसमें जो है वो पाए जाते हैं। स्पंज गार्ड जो होता है या स्मूथ गार्ड, इसका जब फ्रूट ड्राई हो जाता है तो आपने ध्यान दिया होगा कि इसके ऊपर की कवर अगर हटाइए तो इसमें अंदर स्पंज निकलता है ना, एक नेटवर्क लाइक जाल जैसा। इसका फ्रूट सूखने के बाद अंदर इसका जो फ्लैश है वो तो ड्राई हो जाता है, लेकिन इसका फाइबर एक जाल जैसा नेटवर्क उसमें बना होता है, वो उसको वो एकदम स्पंज जैसा दिखता है। तो वो जो स्पंज होता है उसका भी यूज़ होता है स्क्रबिंग पैड्स के तौर पे, यानी स्क्रबर के तौर पे उसका इस्तेमाल किया जाता है, या जो है जनरली छोटे मोटे काम में उसका इस्तेमाल लिया जाता है, जैसे बर्तन साफ़ करने के लिए भी उसका इस्तेमाल लिया जाता है, कोई चीज़ छानने के लिए एयर फिल्टर के तौर पे भी उसका इस्तेमाल किया जाता है ना, पैकिंग मटेरियल के तौर पे भी, क्योंकि स्पंज होता है तो वो अगर किसी कोई डेलिकेट मटेरियल है उसको पैक करना है तो उसको जो है स्पंज गार्ड की चारों तरफ जो है लेयर बना के और फिर उसमें कुछ मटेरियल को पैक करिए तो वो सेफ रहता है, क्योंकि स्पंज गार्ड स्पंज होने की वजह से शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका स्पंज जो है पैकेजिंग में भी काम आता है ना, इंसुलेशन इंसुलेटर के तौर पे भी काम करता है, स्टफिंग फॉर शोल्डर पैड्स है ना, शोल्डर कंधों पर जो है स्टफ करने के लिए भी होता है। तो अलग अलग तरह से इसका जो है यूज़ होता है, मैट्रेस के तौर पे भी यूज़ होता है, मतलब कई सारे स्पंज को आपस में जो है गूथ करके या सिल करके इसकी मैट्रेस भी बनाई जाती है। तो इस तरह से इसका स्पंज का जो इसके फ्रूट से जो स्पंज निकलता है उसका भी बहुत ज़्यादा जो है अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है ना। तो जो स्पंज गार्ड का जो वैसे तो रिज गार्ड और स्पंज गार्ड दोनों में ही जो है स्पंज निकलता है, लेकिन जो स्मूथ गार्ड है उसका स्पंज जो है अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू रिज गार्ड, क्योंकि रिज गार्ड का जो स्पंज होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। तो स्पंज जो प्रोडक्शन होता है वो मेनली स्मूथ गार्ड से होता है या स्पंज गार्ड से ही होता है। इसीलिए दोनों ही प्रकार की जो गार्ड्स हैं, मतलब तुरई है उसमें एक को स्पंज गार्ड कहा गया है, क्योंकि जिसको स्पंज गार्ड कहा गया है उसी से अच्छी क्वालिटी का स्पंज प्रोड्यूस होता है। रिज गार्ड से होता है पर अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, ठीक है ना। स्पंज गार्ड को ये भी माना गया कि इसको जो है बाथिंग के दौरान, मतलब नहाने के दौरान जो है इसको यूज़ करते हैं, जो आप देखते होंगे प्लास्टिक स्पंज आते हैं बाथरूम वगैरह में जो नहाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसके कंपैरिजन में ये नेचुरल है और ये ज़्यादा हाइजीनिक होता है। तो इस तरह से ये इसका स्पंज भी जो है काफ़ी वैल्यूएबल है। वेराइटीज़ की अगर बात करें तो स्पंज गार्ड की जो वेराइटीज़ हैं वो हैं, जैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिलीज वैरायटी है पंजाब स्पंज गार्ड 9, पूस IRI से वैरायटी रिलीज्ड है जो है वो है पूसा चिकनी, पूसा सुप्रिया, पूसा स्नेहा है ना, और प्राइवेट कंपनी की जो वैरायटी है वो है माइको स्पंज गार्ड हाइब्रिड 1, ये प्राइवेट कंपनी की वैरायटी है। फूले प्रजक्ता, ये महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ की ये वैरायटी है। तो ये स्पंज गार्ड की वैरायटीज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रिज गार्ड की वैरायटीज़। रिज गार्ड की जो वैरायटीज़ हैं वो है IRI से रिलीज वैरायटी है पूसा नसदार और पूसा नूतन।
उसके अलावा तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो रिलीज वैरायटी है वो है कोयमटूर 1, कोयमटूर 2। उसके अलावा कोकन हरिता, कोकन कृषि विद्यापीठ से रिलीज वैरायटी है, महाराष्ट्र में है ये, महाराष्ट्र के डपोली में है ये जो है कॉलेज है, कोकन कृषि विद्यापीठ, वहाँ से रिलीज वैरायटी है कोकन हरिता। अर्का सुजात, अर्का सुमित ये IIHR की वैरायटीज़ हैं। और दीप्ति ये केरल जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वैरायटी है ना। उसके अलावा है एक वैरायटी सतपुतिया, आप लोगों ने सुना होगा सतपुतिया जो तुरई होती है, रिज गार्ड की ये वैरायटी बहुत छोटी छोटी साइज़ में आती है ना। ये इससे रिलेटेड ये सवाल बहुत पूछा जाता है। अभी हम लोगों ने पीछे इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि ये मोनोशियस होता है, जो लूफा है या स्पंज गार्ड या रिज गार्ड का जो प्लांट है मोनोशियस होता है, यानी एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर सेपरेट सेपरेट होते हैं। सतपुतिया एक ऐसी वैरायटी है रिज गार्ड की जिस जो कि मोनोसियस नहीं है बल्कि हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर इसमें आते हैं। तो ये बहुत बारी क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वैरायटी ऑफ रिज गार्ड हैज़ जो है हर्मेफ्रोडाइट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, तो आपका आंसर होगा सतपुतिया, क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल वैरायटी है। जितनी भी कुकुरबिटेशियस ग्रुप है आप देखे होंगे उसमें आपको कहीं भी हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर का एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं मिला, ज़्यादातर मोनोशियस एंडोमोनोशियस या गाइनोशियस टाइप का आपको एग्जाम्पल मिला है। लेकिन रिज गार्ड में वैसे सभी जितनी आप ये जितनी भी स्पंज गार्ड या रिज गार्ड में जितनी भी ये वैराइटीज़ आप देख रहे हैं ये सभी में मोनोशियस टाइप के फ्लावर्स आते हैं, लेकिन सतपुतिया जो वैरायटी है इसमें फ्लावर मोनोशियस नहीं होते, मतलब प्लांट जो है मोनोशियस नेचर का नहीं होता, हर्मेफ्रोडाइट होता है। एक ही तरह के फूल आते हैं और उस फूल में दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम फ्लावर में होते हैं, मेल फ्लावर और फीमेल सेम फ्लावर में, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है सेम फ्लावर में पाए जाते हैं। तो इसमें जितने भी फ्लावर्स आते हैं सब हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल होते हैं, ना कि मोनोशियस होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि सतपुतिया वैरायटी किसकी है और इसमें फ्लावर किस प्रकार का आता है। एक्चुअली जितनी जो कुकुरबिटेशियस जो वेजिटेबल क्रॉप्स हैं इनका जो ओरिजिन हुआ है इनके वाइल्ड वैरायटीज से या प्रिमिटिव फॉर्म जो जो मतलब जो इनके प्रिमिटिव फॉर्म है जिससे ये ओरिजिनेट हुई हैं जितनी भी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल हैं वो हर्मेफ्रोडाइट जो है पेरेंट्स से ओरिजिनेट हुए हैं। ये जो मोनोशियस नेचर है या इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेक्स एक्सप्रेशन या सेक्स डिफरेंट टाइप के जो है सेक्स फॉर्म्स आप देख रहे हैं कुकुरबिटेशियस में, ये इवॉल्व फॉर्म है। प्रिमिटिव फॉर्म हर्मेफ्रोडाइट है और ये बाकी के एंडोमोनोशियस मोनोशियस गाइनोशियस ये जो जितने फॉर्म आप देख रहे हैं या डायोशियस ये सब फर्दर इवोल्यूशन के दौरान इवॉल्व हुए हैं, है ना। तो सतपुतिया अभी भी एक वैरायटी ऐसी है रिज गार्ड की जो अभी भी अपने प्रिमिटिव फॉर्म में ही इसके फ्लावर पाए जाते हैं, है ना। तो इससे पता चलता है कि कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल्स का जो जो फ्लावर है ये प्रिमिटिव फॉर्म यानी जब वाइल्ड इसका जो पेरेंट है या जब इसका इवोल्यूशन हो रहा था तब ये हर्मेफ्रोडाइट थी, और इवोल्यूशन जैसे जैसे होता गया एडवांसमेंट होता गया तो फ्लावर का फॉर्म में बदलाव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है क्लाइमेटिक कंडीशन और सॉइल कंडीशन, इसको भी बिल्कुल वैसा ही एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए जैसे कि दूसरी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल्स के लिए, जैसे बॉटल गार्ड है, बिटल गार्ड है या ऐश गार्ड आपने पढ़ा। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं कि रिज गार्ड और स्पंज गार्ड आर अडेप्टेड टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इसका कल्टिवेशन होता है। इनको वार्म और ह्यूमिड ग्रोइंग सीजन चाहिए, टेम्परेचर की जो रेंज है 25 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम है वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। टू लो टेम्परेचर इन बिगनिंग ऑफ द क्रॉप सीजन डिले जर्मिनेशन एंड रिटार्ड अर्ली ग्रोथ, यानी बहुत लो टेम्परेचर होगा क्रॉप ग्रोथ के दौरान या सीड मतलब बीज की बुआई के दौरान तो जर्मिनेशन जो है डिले कर जाएगा और इवन नहीं होगा, है ना। और हाई टेम्परेचर और लॉन्ग डे जो है मेल फ्लावर को प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं और लो टेम्परेचर और शॉर्ट डे फीमेल फ्लावर को, तो ये तो कॉमन है ये सारी ये बात। उसके बाद सॉइल कंडीशन में स्पंज गार्ड एंड रिज गार्ड रिक्वायर वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम सॉइल, यानी अच्छी जल निकासी वाली लोमी मिट्टी इसके लिए सूटेबल है जिसकी अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी हो और सॉइल का पीएच 6 to 7.5 के रेंज में बेहतर है।
स्पंज गार्ड इज मोर टॉलरेंट टू वाटर लॉक कंडीशन देन रिज गार्ड। स्पंज गार्ड जो है रिज गार्ड के कंपैरिजन में वाटर लॉगिंग कंडीशन को टॉलरेट कर सकता है। इसको भी बीज से प्रोपोगेट किया जाता है, बीज द्वारा ही बुआई होती है लूफा की। तो बीज की जो बुआई का जो टाइम है, सोइंग टाइम है, वो नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में यानी उत्तर भारत के मैदानी भाग में समर क्रॉप ली जाती है, और रेनी सीजन तो समर क्रॉप सेम है वही फरवरी मार्च, और रेनी सीजन की क्रॉप जून जुलाई। और रिवर बेड कल्टीवेशन के में जो है इसकी जो क्रॉप मतलब सोइंग टाइम है सीड का वो है अक्टूबर टू नवंबर, और साउथ इंडिया में बिकॉज ऑफ द माइल्ड क्लाइमेट अक्टूबर में इसका जो है सोइंग टाइम जो है बेटर होता है। सोइंग मेथड क्या है? सोइंग मेथड है बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल है, ये भी क्लाइंबिंग नेचर की है ना। तो इसका जो सोइंग मेथड है वो है एक्चुअली इसको जो है ज़मीन पर इसको नहीं फैलने देते हैं तुरई को, ये वर्टिकली ग्रो करती है। इसका फ्रूट की ईल्ड और क्वालिटी जो है देखा गया है कि अगर प्लांट को वर्टिकली ट्रेन कराया जाए, ऊपर की तरफ ट्रेन कराया जाए, तो फ्रूट की ईल्ड और क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है ना। तो उसी हिसाब से वर्टिकल इसको ट्रेन करना होता है, इसलिए जो है इसका जो सोइंग मेथड है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे इसमें बीज की जो बुआई है या सोइंग है या प्लांटिंग जो किया जाता है वो रेज्ड बेड पर किया जाता है, और रेज्ड बेड जो होते हैं वो 3 मीटर चौड़े होते हैं, और बाकी लंबाई कितनी भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, है ना। तो 3 3 मीटर चौड़े जो है रेज्ड बेड बनाए जाते हैं, है ना, जिसमें जो है 60 to 90 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग रखी जाती है। 60 से 90 के बीच की रेंज रहती है स्पंज गार्ड के लिए, और 2 से 2.5 मीटर जो मतलब 2 से 2.5 मीटर चौड़ी बेड जो है रिज गार्ड के लिए बनाते हैं, और उस पे भी जो है पौधों की जो दूरी है पौध से पौध की वो 60 to 90 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो ये रिज गार्ड और स्पंज गार्ड के लिए आप देख रहे हैं तो लगभग लगभग जो बेड का साइज़ है वो सेम है, और प्लांट की स्पेसिंग भी दोनों के लिए सेम है। इफ़ द वाइन्स आर टू बी ट्रेन वर्टिकली द रो स्पेसिंग इज रिड्यूस टू 1.5 to 2 मीटर। अगर वाइन्स यानी जो पौधा है उसको वर्टिकल ट्रेन करना है, वर्टिकल ट्रेन किया भी जाता है, तो रो की स्पेसिंग को कह रहे हैं कि और रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। यानी जो है रो टू रो स्पेसिंग यानी जो बेड की चौड़ाई है वो 1.5 से 2 मीटर चौड़ी बना सकते हैं। सोइंग इज डन ऑन बोथ साइड ऑफ द बेड। जो बुआई किया जाता है जो रेज्ड बेड है उसके दोनों किनारे पर, जो उसके दोनों किनारे जो ढाल वाला पोर्शन है या हिल वाला जो पोर्शन है वहाँ पर इसकी बुआई की जाती है, और जिसमें 3 से 4 सीड एक 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 हिल पर बोए मतलब बोया जाता है, और आफ्टर जर्मिनेशन जो है एक प्लांट को रहने दिया जाता है और बाकी प्लांट्स को रिमूव कर दिया जाता है। बुआई से पहले बेहतर होगी सीड को जो है 24 घंटे पहले वाटर सोक कंडीशन में उसको जो है उसको सोक कर दें ताकि सीड जो है जर्मिनेट कर जाए। तो इससे होगा क्या कि आपको जितने भी बीज आप बोएंगे वो फूल पूरी तरह से जर्मिनेटेड रहेंगे, तो आपको गैप फिलिंग जो है वो नहीं करनी पड़ेगी। डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल टेम्परेचर सीडलिंग इमर्ज एट 4 to 7 days आफ्टर सोइंग। यानी जो है बुआई के हफ्ते भर के अंदर या हफ्ते भर में जो है बीज जो है वो जर्मिनेट कर जाता है। सीड रेट जो क्वांटिटी चाहिए हेक्टेयर के पर हेक्टेयर बुआई के लिए वो 4 से 5 kg चाहिए रिज गार्ड के लिए, और 2.5 से 3 kg चाहिए स्पंज गार्ड के लिए। मैन्योर फर्टिलाइजर की जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है, 15 to 20 टन एट द टाइम ऑफ फील्ड प्रिपरेशन, और एनपीके की डोज चाहिए 50 kg एनपीके ड्यूरिंग द फील्ड प्रिपरेशन या बेड मेकिंग के दौरान, और जो रिमेनिंग 50 days है डोज 50 kg डोज है नाइट्रोजन की वो टॉप ड्रेसिंग मतलब कि बुआई के बाद जो है बुआई के 1 महीने बाद उसका ऊपर से छिड़काव करना पड़ता है ना। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नाइट्रोजन और हाई टेम्परेचर फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, इसलिए नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा जो है एप्लीकेशन अवॉइड करना चाहिए। इरिगेशन जो करते हैं फर्स्ट इरिगेशन बुआई के बाद भी किया जाता है, क्योंकि कभी कभी जो है अगर सॉइल में मॉइस्चर कम है
और सीड प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, मतलब बुआई कर दिया है और सॉइल में मॉइस्चर कम है, तो आप वहाँ पर इरिगेट कर दीजिए बुआई के बाद। लेकिन बेहतर होता है कि आप जो है जब बुआई कर रहे हो तो आपकी सॉइल में सफिशिएंट मॉइस्चर अवेलेबल रहे, है ना, सफिशिएंट मॉइस्चर अवेलेबल रहे ताकि जब सीड जर्मिनेट हो जाए यानी पौधा 2 से 3 पत्ती का हो जाए उसके बाद ही फर्स्ट इरिगेशन किया जाता है। फिर उसके बाद दूसरे सबसिक्वेंट मतलब आगे की इरिगेशन अगर समर का मंथ है तो 7 से 10 दिन के इंटरवल पे करते हैं, रेनी सीजन का टाइम है तो हम जो है इरिगेशन मॉइस्चर अगर है सॉइल में तो हम इरिगेट नहीं करेंगे। वीड कंट्रोल एकदम सेम वे है वीड कंट्रोल का भी, इनिशियल स्टेज में आपको मैन्युअली वीड कंट्रोल जो है मतलब अच्छा होता है, और जैसे जैसे प्लांट जो है ग्रो कर जाता है तो पौधे की जो पत्तियां हैं वो इतनी घनी हो जाती हैं, डेंस हो जाता है पौधा इतना कि जो बीच में स्पेसेस जो वैकेंट है उसमें वीड की प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर नेक्स्ट है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्योंकि पौधे को वर्टिकली ग्रो करना होता है, लूफा के प्लांट को वर्टिकल ग्रो करने से इसमें जो है अच्छी क्वालिटी का फ्रूट प्रोडक्शन होता है और यील्ड जो है वो ज़्यादा मिलती है। तो इसको जो ट्रेन कराने का तरीका वही है पंडाल सिस्टम, यानी आप जो है एक पंडाल जैसा जो है पूरी छत नुमा एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और उसके ऊपर जो है वाइन्स को जो है ट्रेन कराएंगे। तो ये पंडाल की हाइट होगी वो 1.5 से 2 मीटर की ऊंचाई पर होगी, उसके बाद जो है आप क्रिस क्रॉस वायर का नेटवर्क बना करके पिलर्स दे थोड़ी थोड़ी दूर पर जो है पिलर्स आप देने के बाद क्रिस क्रॉस वायर का नेटवर्क बना के उसके ऊपर जो है वाइन्स को ट्रेन करा देते हैं, है ना। और जो सीडलिंग है जब उस सीडलिंग को थोड़ी हाइट तक लगभग 15 सेंटीमीटर जब टॉल हो जाए हाइट उसकी तो उसके बाद जो है सीडलिंग को जो है सपोर्ट के सहारे उसको टाई अप करते जाएं और जहाँ से पंडाल शुरू होता है वहाँ तक हमें उस सीडलिंग को ट्रेन करते जाना होता है। उसके बाद जो उसकी लेटरल ब्रांचेस प्रोड्यूस होती हैं वो ऑलरेडी जो जो पंडाल की जो छत है जो रूफ होती है उस पे ऑलरेडी जो है वो ट्रेन कर जाती है, मतलब स्प्रेड करने लगती है। हार्वेस्टिंग की अगर बात की जाए तो स्पंज गार्ड या रिज गार्ड की हार्वेस्टिंग जो है जो करते हैं वो अगर फ्लावर की ओपनिंग या फ्रूट सेट के टाइम से कैलकुलेट किया जाए तो जब फ्रूट सेट हो जाता है तो हफ्ते भर बाद जो है स्पंज गार्ड और रिज गार्ड हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती हैं, और बुआई के टाइम से कैलकुलेट करो तो 70 से 90 दिन यानी 3 महीने 2.5 3 महीने में आपको फ्रूट हार्वेस्टिंग के लिए मिलने लगते हैं। फ्रूट को हार्वेस्ट तभी करना चाहिए जब फ्रूट की जो लेंथ है वो 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी हो जाए और 2 से 5 सेंटीमीटर थिक हो और टेंडर हो। बहुत ज़्यादा फ्रूट की हो जो है ओवर उसको थिक ओवर थिकनेस उसमें नहीं होने देते, यानी बहुत ज़्यादा मोटे फ्रूट हो जाते हैं, फ्रूट की मोटाई थिकनेस ज़्यादा हो जाती है तो वो पसंद नहीं किया जाता है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जो स्पंज गार्ड या रिज गार्ड है वो फ्रूट जो है पतले रहे थिन रहे यानी 2 से 5 सेंटीमीटर ही उनकी मोटाई हो, बाकी लंबाई जितनी हो वो चलती है 10 से 15 सेंटीमीटर या अप टू 20 सेंटीमीटर भी इसकी जो है लंबाई जो है वो एक्सेप्टेबल है। और फ्रूट टेंडर है या नहीं यानी मुलायम उस वो है या नहीं तो उसके लिए जो है नाखून से थोड़ा सा उसकी स्किन को खुरेच कर कर देख लेना चाहिए, अगर आसानी से वो हो जाता तो मतलब स्किन हट जाती है तो इसका मतलब कि फ्रूट टेंडर है। और साथ ही कलर वाइज भी आप जज कर सकते हैं, ये तो जो है एक तो टाइम वाइज हो गया, जो फर्स्ट मेथड है वो तो टाइम के कैलकुलेशन के थ्रू हो गया, सेकंड मेथड कहलाता है कि लेंथ वाइज हम देख रहे हैं साइज वाइज और कलर वाइज भी हम इसको जज कर सकते हैं कि हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है या नहीं। तो फ्रूट का कलर जब ब्राइट ग्रीन कलर का हो जाए, जैसे स्पंज गार्ड में तो डार्क ग्रीन कलर भी रहता है लेकिन जो रिज गार्ड है उसमें जब जो है ब्राइट ग्रीन कलर का हो जाए तो आप समझिए कि फ्रूट हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। तो हर 3 से 4 दिन के इंटरवल पर आपको फ्रूट जो है हार्वेस्ट करने पड़ते हैं, है ना। स्पंज अगर स्पंज प्रोडक्शन ले रहे हैं वेजिटेबल के लिए नहीं, अगर स्पंज गार्ड का प्रोडक्शन आप स्पंज प्रोड्यूस करने के लिए कर रहे हैं तो फ्रूट को आप तब हार्वेस्ट करेंगे जब फ्रूट पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, राइप हो जाएगा, पक जाएगा, पक के सूख जाएगा, है ना। सूख इस तरह से सूख जाएगा कि उसके अंदर जो बीज हैं फ्रूट के अंदर आप फ्रूट को हिलाएंगे तो वो बीज की आपको आवाज़ जो है वो सुनाई देगी, यानी बीज पूरी तरह से अंदर रेटल हो जाएंगे, है ना, मैच्योर हो जाएंगे, आप तब फ्रूट को हार्वेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर की जो ड्राई उसकी जो रिंड है कवर है उसको हटाएंगे तो आपको अंदर से स्पंज जो है आपको
मिलेगा, उस स्पंज को आप कलेक्ट कर लेते हैं और स्पंज प्रोडक्शन आपको मिलता है। तो स्पंज प्रोडक्शन अगर लेना है तो आपको जो है 4 से 5 महीने लगते हैं बुआई के बाद, ताकि जो है सीड पूरी तरह से मैच्योर हो जाए। ईल्ड की अगर बात की जाए तो ईल्ड जो है वेरी करती है, 80 से 120 क्विंटल पर हेक्टेयर तक ईल्ड आपको मिलेगी। क्योंकि जो लूफा तुरई है ये, इसमें जो सेकेंडरी ब्रांचेस प्रोड्यूस होती है, जो मेन स्टेम जैसे प्रोड्यूस होता है, मेन स्टेम के बाद पर जो दूसरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रांचेस आती हैं उन पर जो फ्लावर आते हैं उस पर ईल्ड होती है ना। तो मेन स्टेम पर तो होती नहीं है, तो जो मेन स्टेम होता है उसको जो है एक हाइट तक जाने के बाद उसको प्रून कर देना चाहिए। जब प्रून कर देंगे तो उससे क्या होता है, सेकेंडरी ब्रांचेस ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं और सेकेंडरी ब्रांचेस पर ही फ्रूट आते हैं। तो सेकेंडरी ब्रांचेस जब प्रोड्यूस होंगी तो ज़्यादा फ्रू जो है ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, और ज़्यादा फ्लावरिंग होगी तो फ्रूट ज़्यादा आएगा। तो जो प्रून करते हैं मेन स्टेम को, वो तभी करते हैं जब पौधा इतनी हाइट तक, जैसे 1.5-2 मीटर की हाइट तक जब जो है पहुंच जाए तो उसको प्रून कर देते हैं, और फिर जो सेकेंडरी ब्रांचेस होती है वो पंडाल पर पूरी तरह से स्प्रेड कर जाती है। यानी कुछ हाइट तक पौधे को वर्टिकल ग्रो होने देते हैं और फिर मेन स्टेम को ऊपर से पिंच कर देते हैं। फ्रूट की ईल्ड बढ़ाने का एक और भी तरीका है कि ग्रोथ रेगुलेटर का एप्लीकेशन, क्योंकि जो है हम लोगों ने बात किया कि ये भी जो है मोनोशियस नेचर का होता है, यानी इसमें मेल फ्लावर मतलब नोड पर मेल फ्लावर क्लस्टर पे आते हैं और फीमेल फ्लावर सिंगल होता है ना। तो फीमेल फ्लावर का रेशियो अगर बढ़ाना है, मेल फ्लावर का प्रोडक्शन कम करना है, तो हम इथरल या इथेफोन का स्प्रे करेंगे 100 ppm का सोल्यूशन बना के जब पौधा 2 से 4 पत्ती का रहे, या फिर नेप्थलीन एसिटिक एसिड या NAA जिसको बोलते हैं, ये ऑक्सिन है, उसका 200 ppm का सोल्यूशन बना करके हम स्प्रे करें 2 से 4 पत्ती की स्टेज पर, तो फीमेल फ्लावर का प्रोडक्शन बढ़ता है, और ज़्यादा फीमेल फ्लावर का प्रोडक्शन होगा तो फ्रूट की ईल्ड भी ज़्यादा होगी। पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग यानी हार्वेस्टिंग के बाद जो है प्रोड्यूस को इमिडिएटली जो है किसी ठंडे स्थान पे रखिए, सारा का सारा प्रोड्यूस जो भी पूरा रिज गार्ड या स्पंज गार्ड आप हार्वेस्ट करके लाए हैं उसको छाए में रख के उसको थोड़ा सा उसकी फील्ड हीट है वो रिमूव करिए। उस पर किसी तरह की डर्ट है, धूल मिट्टी है तो उसको साफ़ करना चाहिए, लेकिन धुलना नहीं चाहिए, धुलने से उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो कम हो जाएगी, है ना। तो आपको बिना धुले उसको साफ़ सुथरा करके पोछ पोछ करके या उसकी जो डर्ट वगैरह है वो साफ़ करके आपको ऐसे ही जो है उसकी मार्केटिंग करनी होती है। हो सके तो उसको साइज़ वाइज उसकी ग्रेडिंग कर लीजिए, यानी छोटा बड़ा अलग कर लीजिए। साइज़ वाइज ग्रेड करने से पैसा मार्केटिंग मतलब उसका जो वैल्यू है वो अच्छी मिलती है, यानी बड़े फ्रूट की आपको अलग वैल्यू मिल जाएगी, छोटे फ्रूट्स की अलग वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से फ्रूट की ग्रेडिंग करने के बाद, फ्रूट को बास्केट्स में पैक करने के बाद, पैकेजिंग डायरेक्ट बास्केट में नहीं करेंगे, चारों तरफ किसी तरह का वो ग्रास वगैरह सूखी घास या वो लगा लेंगे ताकि फ्रूट किसी तरह का डैमेज ना हो, है ना। तो इस तरह से जो है पैक जो है बास्केट्स में पैक कर लेंगे और फिर उसको जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है मार्केट के लिए। अगर स्टोर करना है फ्रूट को तो उसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, है ना, लो डेंसिटी पॉलीथीन बैग्स में उसको पैक करके स्टोर किया जा सकता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर। तो जो है ये ऑल अबाउट था रिज गार्ड और स्पंज गार्ड की कल्टीवेशन प्रैक्टिस के बारे में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप्स का कल्टीवेशन बहुत इजी है। बस कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है इसको याद रखना है, जैसे बॉटेनिकल नेम हो गया, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन वगैरह हो गया, या कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी चीज़ें जो कि हम हर लेक्चर में आप लोगों को ऑलरेडी बताते जा रहे हैं। इससे पहले कि जितनी भी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप है उसके लिंक जो है हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो वहाँ से भी जा सकते हैं। और ऑलरेडी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा तो सारे वीडियो पहुँच ही रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो में हम लोग दूसरी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप जो रह गई हैं उनका डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।